शादी करना दूसरा शादी करना गलत नहीं है लेकिन आप एक चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंटल केस होता है, जैसे एक्सीडेंट में मर गया इंसान, ऐसे मर गया, सुसाइड किया, क्यों किया, बिना रीज़न के कोई आत्महत्या नहीं करता। जब नीलम सुसाइड की थी तो हमने देखा था, क्योंकि वो टीवी पे चल रही थी चीज़ें, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आई थी, तो हमने देखा था कि नीलम की जो खुद की फैमिली थी ना, उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, वो लोग खुद बयान दिए थे कि मेरी लड़की मेंटली डिस्टर्ब थी। तो अब जब, क्योंकि वो बयान इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके घर में, पवन जी के घर में जो उनकी बड़ी भाभी हैं, वो नीलम की अपनी सिस्टर हैं, वो सगी सिस्टर हैं। अच्छा। तो वो एक बेटी को बचाने के लिए ना, अब उनकी जो भी सोच रही हो कि हो सकता है कि अब वो मर गई, अब चीज़ें जो होंगी मेरी बड़ी बेटी पे बात आ जाएगी, तो ये सोच के जो भी बयानबाजी हुई हो वो तो वही चीज़ें हुई। जब पापा पता लगाने गए तो यही सारी चीज़ें बोली गई कि अरे वो परेशान थी, वो शुरू से ही थोड़ा सा वो थी, इस वजह से उन्होंने कर लिया। तो पापा ने आगे बताया कि पवन जी बिजी रहते थे, टाइम वाइम नहीं दे पाते थे, इस वजह से चीज़ें हो गई। मैं बोला ठीक है, आप जहाँ बोले वहीं पे करना है, तो फिर आपकी मर्जी है, करें। ज्योतिष सिंह ने मीडिया में पहली बार नीलम सिंह पर बात की है। अक्सर करके लोग ज्योतिष सिंह पर आरोप लगाते हैं कि आपको तो पहले से ही पता था कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने आत्महत्या की थी और पवन सिंह पहले से ही शादीशुदा थे, इसके बावजूद भी आपने शादी क्यों की। अगर आपको पवन सिंह आज गलत लग रहे हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि आप सब जानते बूझते पवन सिंह से शादी की है। इस पर देशवा न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ज्योतिष सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ज्योतिष सिंह ने कहा है कि किसी भी इंसान की दूसरी शादी होना गलत नहीं है। कोई इंसान अगर दूसरी शादी करता है तो वो किसी लिहाज से गलत नहीं होता, इसमें कोई भी गलत नहीं कह सकता उसे। लेकिन हाँ, जब अगर उस इंसान ने दूसरी शादी करने की ठान ली हो और दूसरी शादी को भी बर्बाद करने की ठान ली हो तो वो गलती है। पवन सिंह मुझसे दूसरी शादी किए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो दूसरी या तीसरी करते तो भी गलती नहीं थी, अगर वो सही होते तो। उनकी जो पहली पत्नी थी उन्होंने आत्महत्या किया था, यानी नीलम सिंह ने आत्महत्या किया था। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पवन सिंह खुद उन्हें अपने हरकतों के वजह से डिप्रेशन में डाल दिए थे और खुद ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी थी कि वो ऐसा कदम उठा लें। और उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही चीज़ें किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब ज्योतिष सिंह को पहले से ही ये लगा था कि उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या की है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा जो आज सोच रहे हैं। तो ज्योतिष सिंह ने इस पर बयान दिया कि मैंने तभी भी ये सोचा था और मेरे परिवार वालों ने भी ये सोचा था कि कहीं पहली पत्नी ने आत्महत्या की है, इसके पीछे पावर स्टार पवन सिंह तो जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद पापा ने मेरे नीलम सिंह के फैमिली से कॉन्टेक्ट किया, बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने बयान दिया। उनका कहना था मेरे पिता से कि मेरी बेटी पहले से ही अनस्टेबल थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसके बाद पवन सिंह से शादी हो गई और उसके बाद पवन सिंह उनको टाइम नहीं दे पाते थे, चीज़ें ऐसी हो जाती थी जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती थी और मेंटली अनस्टेबल हो गई और इस वजह से ऐसा कदम उठा लिया। तो जो भी चीज़ें हुई, जो भी नीलम सिंह ने किया, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें पवन सिंह का कहीं से कोई हाथ नहीं था। तो जब इस तरह की बातें नीलम सिंह की फैमिली ने मेरे पापा से बोली तो मेरे पापा आके मुझे बताएं और मुझे समझाएं कि बेटा उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पवन सिंह मूवी करते हैं तो टाइम वो नहीं दे पाते थे, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कर लिया। सबकी सोच समझ और माइंड की जो स्थिति होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो एक जैसी नहीं होती। तो इस तरह से समझाते हुए मेरे पापा ने बोला कि जो हुआ था उनके लाइफ में, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को समझा बुझा कर शादी के लिए मुझे तैयार कर लिया और उसके बाद मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा हुआ। इसी के साथ साथ ज्योतिष सिंह ने एक और बात कही कि जब नीलम सिंह का आत्महत्या का केस आया था तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे ये दिखाया जा रहा था कि पवन सिंह की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, लेकिन कहीं पर भी पवन सिंह को हत्यारा नहीं बताया गया, कहीं पर भी उनका नाम नहीं आया, कहीं पर भी उनका नाम शामिल नहीं था। और ऐसा क्यों नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम उस वक्त घर में बैठ के ये न्यूज़ देख रहे थे। तो अपनी बातों से ज्योतिष सिंह ने उन सभी लोगों को जवाब दे दिया है जिन लोगों का ये सवाल होता था ज्योतिष सिंह से कि आखिरकार उन्हें पहले से ही पता था कि नीलम ने आत्महत्या कर लिया है, तो आखिरकार उन्होंने फिर भी शादी क्यों की। इस पर ज्योतिष सिंह ने जवाब दे दिया है कि पता तो था कि नीलम सिंह ने आत्महत्या
हत्या किया है, लेकिन ये पता नहीं था कि क्यों किया है और इस वजह से कन्फ्यूज़न में थे वो लोग और इस तरह से शादी हो गई और सोचने समझने का ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि शादी 20 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गई। तो ये था ज्योति सिंह का बयान जो हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने देसवा न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है और सच्चाई बताई है। आपको इस पर क्या कहना है, आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।